प्यारे दोस्तों, मोहल्ले में अजीब सा शोर बरपा था, क्योंकि मिलने वाले अपने अपने कुर्बानी के जानवर 20-25 दिन पहले ही ले आए थे। गली में जैसे बकरा मंडी लगी हुई थी। अम्माल और रोशन आमने सामने रहते थे। इन दोनों के अप्पू भी बकरा ले आए थे। अम्माल का बकरा कमजोर सा था, जबकि रोशन का बकरा काफी मोटा तासा और ऊंचा भी था। एक दिन रोशन अपना बकरा लेकर घूम रहा था। उसने अम्माल का मजाक उड़ाते हुए कहा, अम्माल क्या इस बार धाजे की कुर्बानी करोगे? धाजे की कुर्बानी कबूल होगी? रोशन की आंखों में शरारत नाच रही थी, लेकिन अम्माल को इस बात पर असर नहीं हुआ और उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, क्योंकि यह खारिज नहीं रहेगी। ये सुनकर रोशन हंसने लगा और अम्माल से पूछा, यह खारिज कुर्बानी क्या होता है? अम्माल ने कहा, जिसमें दिखावा और गुरूर ना हो, और अपना कमजोर सा बकरा लेकर घर चला गया। रोशन को तो बकरे की सूरत में दिलचस्प मजगरा मिल गया था। वो उसका कभी मुंह पकड़ता, कभी कान मरोड़ता और कभी उसकी कमर पर हाथ मारता था। एक दिन रोशन अपना बकरा घुमा रहा था, अचानक बड़ी गाड़ी के हॉर्न की वजह से बकरा भटक गया। ने रोशन को टक्कर मारकर गिरा दिया और रस्सी चुरा कर पास खड़ा हुआ, और थोड़ी ही देर में वो उसकी नजरों से ऊंचा हो गया। रोशन कपड़े चढ़कर खड़ा हुआ तो बकरे का दूर दूर तक पता ना था। रोशन अपनी चोट भूल कर रोने लगा। उसे ये खौफ सता रहा था कि अप्पू उसे नजर डांटेंगे, पर के पिताई भी होगी, उसकी अम्मी भी उसे नहीं बचा पाएंगी। वो तो पहले ही कह रही थी, बकरे को खिलाओ पिलाओ, उसकी नुमाइश ना करो, अगर बाहर तहाने ले जाओ तो जल्दी वापस ले आओ। मगर उसने अम्मी की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। वो उसी खौफ से घर के दरवाजे पर बैठा रो रहा था कि अम्माल किसी काम से वहाँ से गुजरा। जब उसे पता चला कि रोशन का बकरा हो गया है, तो उसने कहा, देखो दोस्त, कुर्बानी अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों पर वाजिब है, हमें इस पर गुरूर नहीं करना चाहिए। कुर्बानी के जानवर को प्यार मोहब्बत से रखना चाहिए, लेकिन तुम अपने बकरे को बहुत सताते थे, हर वक्त उसे घुमाते रहते थे, मेरे बकरे का भी मजाक उड़ाते थे, फिर भी मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि तुम्हारा बकरा जल्द मिल जाए। रोशन इंतहाई गम से बोला, अम्मा तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अब अकल आ गई है, मगर भाई अब मैं क्या करूं, अब तो बकरा ही भाग गया, अप्पू दूसरा बकरा भी नहीं लाएंगे, अब हम कुर्बानी कैसे करेंगे? और रोशन फिर से रोने लगा। अम्मा ने तसल्ली देते हुए कहा, तुम अल्लाह से सच्ची तौबा करो, वो यकीनन तुम्हारी मदद जरूर करेगा। रोशन ने जल्दी से तौबा की और बकरे के मिलने की दुआएं मांगने लगा। अभी दसप्रीत ने रुक से थे कि दूर से रोशन के बड़े भाई बकरा लाते हुए नजर आए, और आते ही उन्होंने कहा, नालायको तुमने बकरा भगा दिया, वो तो मैं स्कूल से आ रहा था तो मैंने बकरा भागते हुए देखा, बड़ी मुश्किल से बस स्टॉप से पकड़ के लाया हूँ। भाईजान रोशन को गुस्से से घूर रहे थे। रोशन ने बेयकीनी से अपने बकरे को देखा और बोल पड़ा, अल्लाह वो पर। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि इसका बकरा मिल गया था। भाईजान हंस कर बोले, चलो उसे ले जाकर पानी पिलाओ, ये बहुत प्यासा है। रोशन ने खुश होकर रस्सी पकड़ी और बकरे को पानी पिलाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया, और एक बार फिर दिल ही दिल में गुरूर और तकब्बुर से तौबा की। दोस्तों, आप सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक, और उम्मीद करता हूँ कि ईद पे आप अपने जानवरों का खूब ख्याल रखेंगे, और ईद के मौके पर मेरी वीडियो भी अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। थैंक यू।